तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे यार, मेरा नाम आकाश सिंह, मैं एसएमसी फतेहपुर से। तो यार फाइनली नीट 2024 का पेपर ओवर हुआ। लोग पूछते थे पेपर सरल आएगा, कठिन आएगा, क्या आएगा भैया, कैसे तैयारी करें। तो मैंने बोला यार बार बार पीवाई की पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो ये नीट 2025 के लिए मेरा पहला वीडियो है और आज हम लेके आए हैं एनालिसिस कि क्वेश्चन जो है नीट 2024 में कहाँ कहाँ से आए थे, कौन से क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से आए थे, कौन से क्वेश्चन थे बाहर से आए थे, जो एडिट पोर्शन था उसकी बहुत 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 ज़्यादा हाइप थी। तो एडिट पोर्शन से कौन से ज़्यादा कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आज का जो वीडियो है केमिस्ट्री के एनालिसिस के लिए है। तो आज अपन लोग देखेंगे कि जो अपन ने पीवाईक्यू मार्किंग कराई थी, जो एनसीईआरटी में पीवाईक्यू मार्किंग कराई थी, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया बहुत काम की आई, बहुत काम की आई, बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए। तो फिर शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे और 2025 में हमें क्या करना चाहिए जिससे अपन लोग को बहुत 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 ज़्यादा फायदा हो जाए। तो ठीक है, ये हमारे पास 2024 का पेपर है। तो अपन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग था, और जो मैच द फॉलोइंग था यहाँ पे अपन को सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने थे। तो ये जे 2021 का क्वेश्चन है, जे 2021 में ऑलरेडी आ चुका है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नो डाउट 9.8। तो आप देख सकते हो इसका जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ये है हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है, हेनरी लॉ पे बेस्ड है। एबीसी का जो तुम्हें दिया है कि के एच इतना दिया है, बताओ तुम्हें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अगेन भैया एनसीईआरटी में एक टेबल है 1.2, यहाँ से क्वेश्चन आया है तो आराम से भी कर सकते हो, पी बराबर के एच एक्स से भी कर सकते हो, तो वो अलग बात है। आगे जाते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, खैर पी ब्लॉक को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी कि भैया पी ब्लॉक में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इन्होंने किया क्या, इन्होंने डायरेक्ट पीवाईक्यू ही पूछ लिया। और मुझे जहां तक लगता है कि मेरे वाला पीवाईक्यू है, 2022 में पीवाईक्यू आया था। तो फिलहाल इस सवाल को हम अपन लोग एनसीईआरटी के टेबल नंबर 7.7 से भी कर सकते हैं, जो नई वाले एनसीईआरटी पे। आगे जाते हैं तो कुछ यहां पे स्टेटमेंट दिया है तो यहां से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया है 2014 में, 2019 में। तुम एक बार देख लो यार पीवाईक्यू मार्किंग एनसीईआरटी का फायदा क्या था, जो अपन लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत से कराई थी। अगला क्वेश्चन भैया इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सीधा देखो पीवाईक्यू मार्किंग से फिर से क्वेश्चन, जेई 2012 में पहले भी आया था और नीट 2017 में भी आया था, एम्स में यहाँ से एसर्शन रीजन आया था। और देख लो भैया यहाँ पे है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्हें सेपरेट कैसे कर सकते हैं भैया, स्टीम डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन से। अब तुम समझ लो कितना 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 ज़्यादा जरूरी है तुम्हारी पीवाईक्यू मार्किंग। आगे जाते हैं जो अगला क्वेश्चन है भैया, दिया है तुम्हें दो स्टेटमेंट दिया है जिससे तुम बहुत ज़्यादा डरते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट को लेके तुम्हारा स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दिया है तुम्हारा कि पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट इतनी है, आइसो पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट इतनी है और साथ में नियो पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारी इतनी है। तो अब देखो यहाँ पे बस आइसो, नियो और नॉर्मल पेंटेन में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो बताना था। खैर तुम ब्रांचिंग वाले तरीके से भी कर सकते थे, वो अलग बात है। आगे जाते हैं फिलहाल यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी से कैसे कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। अगला भैया SN1 का ऑर्डर बताना है और ये एग्जाम्पल नंबर 6.7 है, थोड़ा सा वेरिएशन है लेकिन तरीका तो सेम है। ओके आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकॉस रीजन, भैया सबको पता है ल्यूकॉस रीजन टर्सरी तुरंत दे देगा, सेकेंडरी थोड़ी देर में देगा 5 मिनट में, और जो प्राइमरी है आधे घंटे के बाद देगा। तो बस नीट 2022 में क्वेश्चन भी आया है। तो फिर से देखो पीवाईक्यू मार्किंग जाके टेलीग्राम पे पढ़ी है, वहां से जाकर तुम देख लो, अभी भी सेम टू सेम यार, सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। आगे जाओ लिखा है भैया 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइज ट्रीटेड इतना, बताओ कितना मास है जो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो आराम से भैया लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल नंबर 1.7 और 1.5 दोनों को मिला के सवाल को आसानी से कर सकते हो। अगर तुमसे वो दोनों सवाल बनते तुमसे ये सवाल भी आसानी से बन जाएगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर सवाल है। खैर ये सवाल तो ऐसा सवाल है इसको हर कोचिंग, हर टेस्ट पेपर, हर टीचर कराया होगा, तो इसमें खैर कोई बात नहीं आ जाता और सबसे बना ही गया होगा। खैर कोई बात नहीं यार, फिर से पीवाईक्यू मार्किंग एनसीईआरटी जिंदाबाद और 2019-2016 दोनों में सेम क्वेश्चन आया है, तो आराम से कर सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी ज़्यादा होगी, भैया सबको पता है टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, एनसीईआरटी में दिया है फिर से पीवाईक्यू मार्किंग जिंदाबाद, तो आराम से कर सकते हो। आगे जाओ अगला भैया ये थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब है तो क्वेश्चन ही जी लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी के लिए इसको पूरा का पूरा पेज पढ़ोगे तब जाके इसमें समझ आएगा, आइडिया लगेगा। तो कहिए भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे कमेंट करना, तुम्हें क्या चीज़ हो पता होगी तुम बता पाओगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो भैया पूरा का पूरा टेबल पढ़ना पड़ेगा,
जेई में से पीवाई की मार्किंग भी आ चुकी है, और भाई सेम सवाल है तो थोड़ा सा बदलाव तो लाएगा ही लाएगा, तो आगे आ जाओ फिर से पीवाई की मार्किंग। आगे देखो अगेन हर क्वेश्चन में पीवाई की मार्किंग ही आई है, तो बस अगर तुम, मैं बोला था यार कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, पीवाई की मार्किंग पढ़ लो। आगे लिखा गया स्टेटमेंट, एनिलिन डज नॉट अंडर गो फ्रीडल क्लाफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा है एनिलिन कैन नॉट गो अंडर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो भैया एम्स में एक्सेप्शन रीजन आया था, पीआई क्यू मार्किंग में पढ़ा है एमएन वाले चैप्टर में। आगे देखो अगला, गैब्रियल थैलामाइड से तीन तीन बार क्वेश्चन आया है जेई नीट एम्स हर जगह। तो अब लिखा यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी एमिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, अब भैया बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडर गो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हो सकता है यहाँ से एसर्शन जनरल पूछ सकता था, लेकिन खैर उसने तुम्हारे लिए पेपर को आसान बनाया, आसान बनाया तो कट ऑफ ज्यादा जानी ही जानी है। अगला क्वेश्चन है भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके है, अगेन एनसीईआरटी का टेबल है, और खैर ये तो सबको पता ही होता है फोन कॉल करना है तो कर देना फोन कॉल। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, कमेंट करना है, तो इसके लिए आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2.12, 2.13, 2.14 करना होगा, तो आराम से भी बन जाएगा। ओके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग भैया परेशान थे कि ये बता दो कि भैया जी आई कैसे याद करना है, ओ आई कैसे याद करना है, तो मैंने बोला था यार ट्रिक भी बना दी थी खैर तुम्हारे लिए एग्जाम से पहले, मैंने बोला था यार ये तो चलो ठीक है लेकिन जो तुम्हारा नॉर्मल वाला आइसोमेरिज्म है वो जरूर कर जाना। और क्वेश्चन वहीं से आ गया, साल्वेट आइसोमेरिज, लिंकर आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर से पीवाई की मार्किंग जिंदाबाद भैया, जेई 2009 मार्च 2021 वहीं से सेम जगह से क्वेश्चन आए, और अपन ने पहले से ही हाईलाइट करके रखा था सारी चीजें, तो यार सेम क्वेश्चन। तो अगर पीआईक्यू मार्किंग भी पड़ी थी, खैर नहीं पड़ी थी कोई बात नहीं यार, उनके लिए भी मेरे पास सिंपैथी है जो थोड़ा बहुत नंबर से रुक गए, हो जाता है कभी कभी एग्जाम में अपना माइंड सेट उतना ज्यादा काम नहीं करता है, तो फिर से करो फिर से पढ़ो, लेकिन इस बार एनसीईआरटी नहीं छूटनी चाहिए, एनसीईआरटी नहीं छूटनी चाहिए, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो लेकिन एनसीईआरटी तो यार करना ही करना है। खैर पूरे जर्नी में तुम्हारे साथ रहूंगा ही। अगला क्वेश्चन जो है भैया शेप और ज्योमेट्री को लेके है, शेप और ज्योमेट्री को लेके है, तो फिर से नीट 2010 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, उसका जस्ट नीचे वाला एग्जामिनर ने उठा लिया, BRF5 उठा लिया, SF6 उठा लिया, तो देखो भैया SF6 भी दिया है, BRF5 भी है, अमोनिया का ऊपर वाले टेबल में था जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, और ये सब तो PYQ भी है तो आराम से कर सकते हो। देखो ये अमोनिया ऐसा इंक्लूड किया है तो सारा का सारा फिर से वही आ गया। आगे जाते हैं, प्लॉट करना है ग्राफ अर्हीनियस इक्वेशन का, तो भैया आ जाओ PYQ मार्किंग 2003, जेई 2011, नीट 2015 और साथ में NCERT की कौन कौन सी लाइन आई है यहाँ पे तुम अपन देख ही सकते हैं। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जेई का डायरेक्ट PYQ है, जेई का डायरेक्ट PYQ है, यहाँ पे करना क्या था यार, यहाँ पे पहले एक बार एक्स की वैल्यू निकालनी थी बोहर फार्मूला लगा के, उसके बाद उसे अपन को बेरिलियम से रिप्लेस कर देना था, तो खैर NCERT में फार्मूला तो दिया ही है और थोड़े से सवाल भी रिलेटेड दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनोर सा कह सकते हो जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। ओके अगला जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है भैया कह रहे हैं बताओ एंट्रोपी कहाँ पे इंक्रीज कर रही है, तो भैया लिक्विड, अगला क्लोरीन, अगला NHCO3 और टेम्परेचर भैया 130 केल्विन से 0 केल्विन जा रहा है। आ जाओ प्रॉब्लम 6.9 पे, कह रहा भैया टेम्परेचर 0 से 115 कमेंट करना है एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। H2 से 2H+, यहाँ पे दिया है Cl2 से 2Cl। आगे देखो भैया NHCO3 तो यहाँ पे भी दिया NHCO3। अब तुम समझ लो पेपर की कट ऑफ क्यों नहीं ज्यादा जाएगी, कितना ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम्पल इन टेक्स्ट PYQ मार्किंग और एग्जाम्पलर भी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडक्स नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो आ जाओ ये भी तुम्हारी NCERT सही है, CuSO4+ZN, तो पहला ऑप्शन है ZN+ CuSO4। अगला भैया अगला है KClO3, यहाँ पे भी है दूसरा ऑप्शन KClO3। आगे भी और सारे इंक्लूड किए गए हैं तो मैंने अपन ने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि भैया नॉर्मल सी बात है सबको ये चीज पता ही होती है। आगे भैया सेप की बात चल रही है एल की, एम की, एन की और एस की, आराम से आ जाओ याद करो। एक दिन पहले जब अपन लोग इनऑर्गेनिक का सेशन ले रहे थे तो मैंने बोला था कि यार जाके कुछ नहीं पता है तो NLMS को NCERT जरूर पढ़ लेना, सेम वही क्वेश्चन आ गया, और खैर NCERT नीट 2019 में भी आया था थोड़ा बहुत, और अपन लोगों ने ये चीज पहले से मार कर रखी थी, देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट NCERT से। फिर से NCERT जिंदाबाद। स्पिन वनली मोमेंटम की बात चल रही है भैया, सीधा PYQ मार्किंग से आया, PYQ मार्किंग अगेन जिंदाबाद, जेई 2019, 2006, नीट 2018, 12, सीधा NCERT का टेबल, फिर से
देख लो टेबल से कितने कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला मुझे बताना है कि कहाँ पे एटम हाईएस्ट होंगे, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एटम पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगेन थोड़े से अलग अलग है, लेकिन आराम से कर सकते हो क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बनता है तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है, कौन है भैया जो दो माइनस दो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। आ जाओ, एनसीईआरटी में लिखा है पोलोनियम हार्डली शो माइनस दो ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे आगे जाते हैं, लिखा भैया ई नॉट वैल्यू फॉर मैग्नीज से कपल की ज्यादा पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू फलान एंड धमकान। तो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4.4 पे पीवाईक्यू मार्किंग पहले से करके रखी थी, जाके देखना एआईबीएमटी 2007 में यही क्वेश्चन आया था और आराम से फिर से यही आ गया। थोड़ा सा लेफ्ट राइट तो चलता है भाई। और फिर से आ जाओ, अगर तुम चाहते हो डायरेक्ट कहाँ लिखा है तो डायरेक्ट आ जाओ लाइन में, लिखा है द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ मैग्नीज ये पर्टिकुलरली। अब समझ जाओ आगे आगे लिखा भैया ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, किससे रिएक्ट नहीं करता भैया। आ जाओ एनसीईआरटी में लिखा है पहला स्टेटमेंट है डिस्पाइट ये ग्लूकोज सिर्फ रिएक्शन नहीं देता और NaHCO3 नहीं देता। तो ना सिर्फ देता है ना NaHCO3 देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन भैया आइडेंटिफाई द करेक्ट, अपन को क्या करना है इसको, अपन को एल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले तुम क्या बनाओगे, एल्कोहल बनाओगे, एल्कोहल से जाके एल्डिहाइड बना दोगे। तो अगेन भैया एनसीईआरटी जिंदाबाद और पीवाईक्यू मार्किंग जिंदाबाद 2020 में दोनों जगह क्वेश्चन आया नेट और जेई में। तो सबसे पहले तुम एल्कोहल में बदलोगे और एल्कोहल में बदलने के बाद देखो पीसीसी पे रिएक्शन करा दोगे। तो देखो यहाँ पे एलाइल एल्कोहल को बदल दिया है पीसीसी ने एल्डिहाइड में। ओके। और यहाँ पे जब ये करोगे एलाइल एल्कोहल बनेगा फिर पीसीसी में बदल जाएगा। आगे आ जाओ आगे, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत फॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको आता है। केपी केसी बताओ कहाँ इक्वल नहीं है, भैया डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होगी वहाँ इक्वल नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। आ जाओ तो फिलहाल ये तो ठीक है, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकाले रहेगी आराम से कर जाओगे। अगला है, कह रहा है C6H14 है, इसमें बताओ इसके पास दो टर्सरी कार्बन है उसका IUPAC नाम क्या होगा। तो अब तुम IUPAC के लिए भैया जहाँ जहाँ पढ़ते हो कितना कितना ब्रह्मांड का जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं तुम्हें, फिर भी और सवाल क्या आया इतू सा। तो आ जाओ NCERT में प्रॉब्लम नंबर 9.8, यहाँ पे इसके सारे आइसोमर बनाए गए हैं, और यहाँ पे देखो भैया कार्बन जो टर्सरी है और इसके बाद आराम से आ जाओ यहाँ पर सबका 1, 2, 3, 4 इसके सारे आइसोमर बनाया और सबका IUPAC नाम करके दिखाया। तो तुम देख लो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है भाई, सिर्फ NCERT से। आगे फेलिंग सॉल्यूशन एक ही बात चल रही है, आज और लिखा है फेलिंग सॉल्यूशन 2019 में आया भी था जेई में, आया था 2019 में, कि रेड ब्राउन कलर किसकी वजह से देता है, CO2 की वजह से जेई में आया था। और इन्होंने पूछ लिया कि बताओ फेलिंग ए में क्या होता है, हो सकता है अगले साल पूछ लें कि फेलिंग बी में क्या होता है, आराम से बता सकते हो नो डाउट। अगला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बारे में कमेंट करना है। भैया NCERT में नाम दिया है एडियाबॉटिक में ये चेंज होता है, आइसोथर्मल में चेंज होता है, तो आराम से तुम कर सकते हो नो डाउट, NCERT जिंदाबाद। आगे जाते हैं, फिर से देखो यार पीवाईक्यू मार्किंग क्वेश्चन है, लिखा है ये और ये कॉम्प्लेक्स जो है डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं लेकिन इनके पास जो ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल ही है। तो अब आ जाओ भैया, लिखा है यहाँ पे स्पिन की कमेंट की गई है जो कि अपन लोगों ने पूछा गया है, स्पिन पे कमेंट किया गया है ये क्या हो गया। और साथ में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद, फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के बाद तुम आराम से यहाँ पे इसका क्या नाम है मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो। तो आराम से क्वेश्चन फिर से NCERT और PY की मार्किंग जिंदाबाद। अगला भैया, आराम से तुमने सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है भैया, सॉलिड से बिना लिक्विड और बदले गैस में बदल जाने को कहते हैं सब्लिमेशन। और यही क्वेश्चन है, सॉलिड से मतलब बिना लिक्विड में बदले गैस में बदल जाए तो बोलेंगे सब्लिमेशन। NCERT 8.8.1 आराम से, फिर से NCERT क्वेश्चन अगेन। अगला यार ये भी NCERT से है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इक्वेशन था तो मैंने ढूंढा नहीं, तो आराम से जाके तुम देखोगे ऑर्गेनिक NCERT तुम्हें मिल जाएगी। ओके आ जाते हैं आगे। अगला भैया 2A से B बन रहा है प्लस C बन रहा है, KC की वैल्यू इतनी है, अब ये बताओ A बराबर B बराबर C इतना है, अब बताओ जब ये है तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन किधर जाएगी। अपन को ये KC और QC को लेकर सवाल है, तो ये देखो टेबल और यहाँ पे दिया है सेम 2A प्लस B प्लस C इतना दिया है, बस यहाँ पे वैल्यू बदल दी गई है, यहाँ पे 3×10⁴ है, यहाँ पे 4×10�³ है, तो यार सॉरी यहाँ पे देखो 2×10⁴ है। तो इसे तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, देखो एग्जाम्पल से कैसे 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 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे जाते हैं अगला,
लेंथेनॉइड आयन बताओ कौन सा डायमैग्नेटिक है, ये जहां पे n की वैल्यू नॉर्मल होगी सेम होगी वहीं पर डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक सेम मैग्नेटिक बिहेवियर का हो जाएगा भैया। तो यहां पे पूरा का पूरा एनसीईआरटी में आगे दे रखा है। आ जाओ अगला, अब दे रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन है, हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन है। तो एनसीईआरटी में भैया लिखा है होमोलेप्टिक और हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दोनों, आराम से आ जाओ फिर से सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन। अगला, ऐसे ही मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन, ये एग्जांपल है 3.10 और जे 2015 पीआईक्यू मार्किंग जितना बात यार। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, ये है KMnO4+ की रिएक्शन करा रहा है, अगर तुम्हें पता है कि एक भी हाइड्रोजन होगा तो सीधा COOS बन जाएगा और उड़ीसा नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। अब तुम सोच लो पीआईक्यू मार्किंग कितना ज्यादा जरूरी था, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा था ना पीआईक्यू मार्किंग बस किया था तो भी तुमसे आराम से सब कुछ हो जाता यार। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भैया 3ROH+PCl3 ये बन जा रहा है बताओ बी क्या होगा, ए और बी क्या होगा। नीट 2018 की पीआईक्यू मार्किंग कराई थी अपन लोगों ने, पीडीएफ अभी भी टेलीग्राम पे पड़ा है और हमेशा पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखो आराम से POCl3 और HCl। अगला, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल हो जाती है भैया इतने से इतने पे, बताना है तुम्हें एनर्जी ऑफ एक्टुएशन एनर्जी से 2012 में सवाल आया था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। तो अब यहाँ पे देखो इतना आया था और बस सेम चीज है, फार्मूला भी सेम है, बस तुम्हें थोड़ा सा अप्लाई करके वैल्यू बदलनी है तो आंसर आ जाएगा। अगला भैया, अगला, मोहर साल्ट बनाना है तुम्हें आयरन से और कुछ भी प्रोवेंट हाइड्रोलिसिस करना है, तो नो डाउट ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे, लेकिन दिमाग लगाने से कुछ नहीं हो पाएगा, ये सीधा साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। अगला, आपको ए और बी पे बताना है, ए और बी के बारे में बताना है, सीक्वेंस से बताना है। तो देखो भैया सबसे पहले तुम PBr3 है, मेजर रिएक्शन हो रहा, फिर एल्कोहलिक KOH, भैया एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कोहलिक KOH करता है कि भैया डबल बॉन्ड लगा देता है। अगेन बीटा एलिमिनेशन से क्वेश्चन, 2018 क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आया था, चेंज है, तो मतलब कॉन्सेप्ट वहीं से है और पीआईक्यू मार्किंग मैंने बोला था कि वहीं पढ़ लो, अगल बगल का पढ़ लोगे काम हो जाएगा भैया, फिर से पीआईक्यू मार्किंग जिंदाबाद है। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन, द प्लॉट भैया पाई बराबर सीआरटी ग्राफ आराम से बता लोगे। तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 1.11 और ये दोनों क्वेश्चन कर दोगे तो यहाँ से आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया, करेक्ट स्टेटमेंट अपन को फाइंड करना है, BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NS3, भैया और भी दो स्टेटमेंट है, तो सीधा देखो 2005 और 2021, यहाँ से पूरी की पूरी PYQ मार्किंग कराई थी, देख लो कितना ज़्यादा जरूरी है। और इस बार तो तुम समझ ही गए होगे अब तक क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर तुमसे पिछली बार गलती हुई तो इस बार उसे सही करने का वक्त है। और यार तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है ना, कट ऑफ 600 580 जाती है, तुम 600 का कट ऑफ मतलब टारगेट बनाते हो, कट ऑफ 600 जाती है तुम 620 का टारगेट बनाते हो, और इस बार 620 जाएगी 30 जाएगी तुम 640-650 का बना लोगे। यार सिंगल डिजिट रैंक या 700 प्लस का टारगेट तुम क्यों नहीं बनाते हो कि जिस वक्त गलती भी हो तुम भी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाए। तो यार इस चीज़ पर ध्यान दो ना यार कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो, और अभी से शुरू करोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे। अगला क्वेश्चन भैया, इसकी रिएक्शन NaCN से हो रही है, फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, फिर Br2 से। आ जाओ 9.99 जो है कन्वर्जन है, यहाँ पे सीधा ये वाला नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे NaCN पार्शियल हाइड्रोलिसिस और NaOH Br2 सेम का सेम पूरा का पूरा एकदम सेम रिएक्शन, पूरा का सेम सेम रिएक्शन और सेम सेम क्वेश्चन। आगे आ जाओ ठीक है, ये भी दोनों सेम हो जाएगा थोड़ा सा। अब ये है केटायन एनायन है जो अपन का एडिट पार्ट था, मैंने बोला था यार कि बहुत ज़्यादा परेशान मत हो साल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए, हो सकता है क्वेश्चन सेक्शन बी में आ जाए, और मेरी बात सच हुई, सेक्शन बी में ही क्वेश्चन आ गए साल्ट हाइड्रोलिसिस के, तो मेरी बातें तो सही होती है भाई। आगे आ जाते हैं, अगला है वर्क डन फाइंड करना है आइसोथर्मल में, नो डाउट यार यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दोनों, तो यहाँ से आराम से कर सकते हो। अगला है भैया, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अब फिर से सेम क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज है, तो अपन लोग जाके कर सकते हैं, और ये 6.8 है थर्मो और डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। अगला कह रहा भैया ए इतना परसेंट, बी इतना परसेंट, सी इतना परसेंट। आ जाओ एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.2 और देख लो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया या नहीं। तो यार ये थी 50 क्वेश्चन, इसमें से मैं तो कह दूंगा कि 50 के 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, लेकिन एनसीईआरटी में दो पार्ट ऐड नहीं है, एनसीईआरटी में साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है,
एनसीईआरटी में साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है तो उसे अपन लोग बाहर कर देंगे, तो एक या दो क्वेश्चन मान लो साल्ट हाइड्रोलिसिस के थे जो कि थोड़ी सेंसिटिव बाहर थे। बाकी 47 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, और थोड़ा सा कह दो तो वो जो बीएथ्री वाला क्वेश्चन था वो भी तुम आराम से वहाँ से कर सकते हो, जो क्या अपन लोग ने बोहर्स वाले पे दिया था तो वो भी एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट कह सकते हो, लेकिन जेई का डायरेक्ट पीआईक्यू था। तो अब सवाल बनता है कि अपन को करना क्या चाहिए नीट 2025 के लिए। तो अपन को करना चाहिए अपनी सबसे पहले नोट्स के बाद एनसीईआरटी, साथ में नीट का पीआईक्यू और उसके बाद जेई का पीआईक्यू। इतनी ही चीज को तुम बार बार आराम से करोगे तुम्हारा केमिस्ट्री में 180 आ जाएगा। अच्छे से लगे रहो यार। और इसके बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो पीवाईक्यू मार्किंग हमने कराई थी, पीवाईक्यू मार्किंग से कम 40 से 42 क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू मार्किंग आ गया है। तो पीवाईक्यू मार्किंग कितनी 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 ज्यादा जरूरी है, अगर तुम कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो पीवाईक्यू मार्किंग पढ़ लो। खैर इस बार अपन लोग एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा ईजी बनाएंगे, अच्छे अच्छी ट्रिक्स ले आएंगे, समरी ले आएंगे, सिंपल तरीके लाएंगे जिसमें तुम और अच्छा पढ़ सको। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से मेहनत करो और अभी से लग जाओ, जो गलती हुई सो हुई। इस बार अपन को सब कुछ बदलना है, सब कुछ नया करना है और पूरी तरीके से बवाल मचाना है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, केमिस्ट्री खत्म हो गई है फिजिक्स या फिर बायो के एनालिसिस में। तो बाय बाय, और अच्छे से मेहनत करते रहो और लगे रहो।